पानी पी लिया ह्यूमरस वाली ने, वो कह रहे हैं घंटा पहले पानी पिया। यार देव गई भैंस पानी में, सुबह का मरीज का एनपीओ कराया, खाना पीना बंद कराया, खून के टेस्ट कराए, खून भी अरेंज करवा दिया, मरीज को खाना पीना मना किया हुआ था। मरीज ने जनाबे अली ऑपरेशन के टाइम से घंटा पहले पानी पी लिया है। बेहोशी वाले डॉक्टर की अच्छी हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल में पूछते हैं कि आपने कब से खाया पिया है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। तो वो बीबी कहती है जी मैं पानी पी लिया, अब उसका ऑपरेशन उसको फिर बाहर शिफ्ट करा दो। अगला मरीज अंदर हॉस्पिटल तो बाहर शिफ्ट करा दो, हॉस्पिटल तो बाहर इतना नहीं गुस्सा करना है सरकार का हॉस्पिटल है। अच्छा ये बंदा आके मुझे कहता है जी इसका अटेंडेंट जी मैं गरीब हूँ। यार तू गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, मैं कह रहा हेलीकॉप्टर से आया ड्यूटी पे, पर गरीब है तो समझदार भी देगा ना, पानी नहीं सी पियाना यार। उन पटेला वाला मरीज शिफ्ट करवाओ उसको, हम तारे डाल दें। पानी पिया था आपने? हमने पानी नहीं पिया था, हमने मारे जी होंठ गीले किए, वो होंठ गीले पे भी पानी पीना ही होता है। चले भी आपको ना देखते हैं कि कर सकते हो तो कर देंगे, जल्दी बाहर शिफ्ट करा देना। उसने पानी पी लिया था, अभी पोस्टपोन हो जाएगा उसका, या कल या परसों होगा ऑपरेशन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेशेंट है। हम अगला पेशेंट आगे अंदर लटा देंगे, इस तरह एक मरीज को लटा देंगे तो सिस्टम रुक जाता है, हम सिस्टम ही रोक सकते हैं। अभी मैंने वर्करों को बोला है कि शिफ्टिंग वालों को इनको बाहर शिफ्ट करवाएं, अगला मरीज शिफ्ट करवा दें, वो भी रेडी हो, क्योंकि सरकारी अस्पताल यहाँ पे रश बहुत होता है, मरीज बहुत होते हैं। जितने हम आज ऑपरेट कर सकते होंगे कर लेंगे, बाकियों को वार्ड में शिफ्ट करा देंगे। अब हमारा अगला मरीज शिफ्ट हो चुका है, उसकी ना ये चपनी की हड्डी टूटी हुई है वाली, ये अपना मोबाइल पकड़ो बेटा, ये वाली हड्डी टूटी हुई। कैसे टूटी आपकी हड्डी? मोटरसाइकिल लगी ट्राली में, हेलमेट पहना हुआ था? शाबाश, हेलमेट पहना हुआ था। हम इनके ऑपरेशन में ना इनको तारे डालेंगे, ठीक, तारे डालेंगे, तारों में बेहतरीन बैठ जाती है। ये हम जी मरीज का ऑपरेशन हमने मुकम्मल कर लिया है। ये मरीज का फ्रैक्चर था चपनी की हड्डी का, ये देखें खुल गई हुई चपनी की हड्डी, आपने एक्सरे में देखा था यहाँ से चपनी की हड्डी खुल के अलहदा अलहदा आ चुकी हुई थी, हमने इसको तारों की मदद से बिठा दिया है। ये जी दूसरी तरफ रुख का एक्सरे, हम दो रुख से एक्सरे लेते हैं मरीजों के, उससे अच्छा एक्सरे आता है, हड्डी टूटी भी हो या ऑपरेशन किया हो दोनों सूरतों में अच्छा एक्सरे आता है। ऑपरेशन करके मरीज को प्लस्तर भी लगाया गया, दो हफ्ते मरीज प्लस्तर में रहेगा, उसके बाद ये जितनी हरकत करेगा टांग की उतनी इसकी हड्डी बेहतरीन जुड़ेगी, अच्छी जुड़ जाएगी जितनी ज़्यादा हरकत करेगा जी। इसके बाद हमने अगला मरीज शिफ्ट करवाना है, उसकी कहानी ये है कि उसकी टांग की हड्डी नीचे वाली हड्डी टूटी हुई है जिसको हम टिबिया कहते हैं, और वो कुछ डेढ़ दो महीने देसी इलाज करवाता रहे, तो देसी इलाज करवाने से उसकी हड्डी गलत जुड़ी हुई है, जुड़ी नहीं हुई वो तो फ्री पड़ी हुई है, ऐसे टांग लटक रही है, गोडा भी ख़राब हो रहा है, तो यार ये जुल्म है, जरा ने उसके साथ जुल्म किया, उसका देसी इलाज करता रहा, हालांकि उसको पता है कि जो हड्डी बाहर निकला थी गोश से वो ऑपरेशन उसको शिकंजा लगाना पड़ता है या राड ही डलता है उसमें, ये देसी इलाज से हड्डी नहीं जुड़ती। खैर उसने अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए उस बंदे को तकरीबन अपाहिज कर दिया हुआ है, अभी हम देखते हैं उसको शिकंजा लगाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके ना जो जल्द भी ठीक हो जाएगी, फिर बाद में इसका बड़ा ऑपरेशन करके तो रहा है। हमारा मरीज है जो देसी इलाज करवाता है और टांग में ये मसला आ रहा है, ना टांग में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये टांग सारी टेढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते नजर आ रही है इसमें से जी जी, इधर क्लीन करना, ये तो हमने साफ सफाई करनी थी, ये प्लस्तर लगा दिया, ये सारी इसी तरह गंदी पूरी टांग ऊपर तक, ये फ्री हैंग कर रही थी ऐसे, और ये गोडा भी इनका देखें काम नहीं कर रहा, खराब है, ये देखें गोडा भी ठीक। अभी मसला ये है कि अब चाचा जी का ऑपरेशन तो करना है, इनकी इसी लिए ठीक है, दिल का मसला भी आ रहा है इसलिए, तो बेहोशी वाले डॉक्टर बोला कि इनका ना दिल का वर्कअप होगा, दिल के टेस्ट होंगे और उसमें बेहोशी के लिए फिट होंगे, फिर इनको बेहोशी होगी और इनको जंगला रहेगा, ठीक हो गया। यार अगला मरीज शिफ्ट करवाओ, ये बाहर चला गया चाचा, अगला मरीज शिफ्ट करवाओ, शाबाश, जल्दी जाओ भाग के जाओ भाग के। एक मरीज ने अपना खाना पीना शुरू, पानी पी लिया बिना बताए, हालांकि उसको मना भी किया था, दूसरे मरीज का दिल का मसला आ गया, मरीज अभी बहुत है यहाँ पे, अगला मरीज आ जाएगा, अभी मरीज आते रहेंगे, 24 घंटे काम चलता रहेगा, 24 घंटे बाद ये कि जो मरीज रह जाएंगे फिर हम दाखिल कर लेंगे, किसी को ऑपरेशन का टाइम दे देंगे, जो घर जा सकता उसको घर भेज देंगे जी। हमारा अगला मरीज शिफ्ट हो चुका हुआ है, इस मरीज की भी ना टांग की हड्डी टूटी हुई है, राइट टांग की हड्डी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मरीज की टांग है, मरीज की जब हड्डी टूटी ना यहाँ जख्म थे, किसी ने लापरवाही करते हुए ना जख्मों को टांगे लगा दी हैं, और मरीज बेचारे के देखे ना सारी टांग सूज गई है, जगह जगह पे जख्म है, अब हम इसको शिकंजा लगाएंगे, शिकंजे से ये किसके जख्म ठीक हो जाएंगे, इस शिकंजा उतारेंगे और रॉड डाल देंगे। नाम क्या भैया आपका, कैसे हुआ आपका एक्सीडेंट?
आप बाइक पे थे, रिक्शे वाले ने मारा, आपने हेलमेट पहना हुआ था? शाबाश यार, चलो अच्छी बात है हेलमेट पहना हुआ था। ये मरीज के एक्सरे आप देख रहे हैं, यहाँ से डी टूटी हुई है ये हड्डी, ये एक ही टांग की दो रुख से लिए हुए एक्सरे ने, और ये टांग की हालत देखें, लापरवाही की है जिसने भी किया, बंदा क्या कह सकता है किसी को। हम इंशाल्लाह मरीज को शिकंजा लगाएंगे, जख्म ठीक होंगे, ठीक हो जाएंगे, ले फिर अपना मोबाइल ले लें, जख्म ठीक हो जाएंगे फिर इसको ना रॉड डालेंगे, इंशाल्लाह चलना फिरना शुरू हो जाएगा। अभी बाहर जो ऑपरेशन का मकसद है इसके जख्म को ठीक करना है, अगर जख्म नहीं ठीक होंगे, हड्डी में जख्म चला गया तो हड्डी ज़ाया हो सकती है, फिर बेचारा जवान है, रुलता रहेगा, खज्जल होता रहेगा, बोन के इन्फेक्शन बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। क्या मरीज को भी होशी लगती है तो मुझे बताओ, मैं ज़रा पीछे बैठा हूँ मरीज देख रहा हूँ। अभी टाइम हो गया है 7:45, तो अभी शिफ्टिंग होंगी, 8 बजे फिर शिफ्ट बदल जाएगी। सिर्फ जनरल सर्जरी और 800 वाले 24 घंटे स्टे करते, बाकी जितना भी एम्बुलेंस बेहोशी के डॉक्टर हैं या OTAs हैं या नर्सिस हैं, उनकी शिफ्ट बदलती रहती है, हमारी शिफ्ट 24 घंटे बाद बदलती है। तब तक हम ज़रा अपने ऑफिस में आ जाते हैं। जूनियर डॉक्टर को मैंने बताया कि जब भी कोई बेहोशी वाली आती ना अगली टीम, तो मरीज़ को फ़ौरन बेहोशी का टीका लगवाए, फिर हम उसको शिकंजा लगाएंगे। फरानी शिफ्टिंग बदलने लगी है, वो जा रहे हैं सारे नए बंदे हैं। जनाब शिफ्टिंग चेंज हो रही थी, टाइम मिला है, ज़िंदगी बोरी नहीं है, मैंने चाय नहीं पी थी, चाय पीऊँगा, बोरी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं ये जो मुबशर सदीक है ना, उसका हमसाया है ये, इसका गाँव उसके हमसाया है, मुबशर सदीक, मुबशर नाम है, ये चाय तो ठंडी पिलाती है, हाजिर तो है पर इसने चाय ठंडी पिला दी है यार, मूड खराब कर दी है। बुजुर्ग कहते गर्म बोतल और ठंडी चाय नहीं पीनी चाहिए, अब मैं चाय को दोबारा गर्म करूंगा, चाय की तोहीन होगी, ठंडा पानी पी के तो ठंडी चाय पी के मैं अपना हैजा करा ला, अड्डी मेरे तो जिम्मेदारी एमरजेंसी की, चलो चाय तो पियो ना। अभी मैंने आपको एक चाचा जी का बताया था ना कि जो ECG ठीक नहीं आई थी, बेहोशी वाले ने बोला था कि एको करवाएं दिल की, एको कार्डियोग्राम, फिर वो डिसाइड करेंगे। अभी चाचा जी की इंजेक्शन फ्रैक्शन आ रही 40%, अब ये हाई रिस्क केस है, ये चाचा जी को काफ़ी मसले आ रहे हैं, अभी हम अपने सीनियर डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे। तो मरीज का जो फ्रैक्चर है पहले 1 मंथ और कुछ डेज ओल्ड है, तो हमारे सीनियर ने यही डिसाइड किया है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, इनको दाखिल करके ऊपर इलेक्टिव रिस्क पे हम करेंगे, एमरजेंसी में हम इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हाई रिस्क के पेशेंट मरीज की टेबल पे डेथ हो सकती है, फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा कि इतना पुराना फ्रैक्चर आपने क्यों एमरजेंसी में किया, मरीज को कुछ हो गया तो बड़ा मसला बढ़ेगा, इसको दाखिल करते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए चना बहुत ज़रूरी है, लोग ज़्यादा चने खाते हैं, उनकी हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती हैं, आपने देखा होगा गोरों को भी चने खिलाते हैं, उन्होंने लंबी रेस के गोरे चने खा के ज़्यादा देर तक भागते हैं, और मैं भी इस टाइम लंबी रेस की ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं भी चने खाऊँगा, आप भी चने खाया करें। मरीज को बेहोशी वाला टीका लग रहा है, जिसको मैंने बताया था कि टांग खराब हो गई है, किसने टांग के लगा दी, लापरवाही की, खैर वो उसका और अल्लाह का मामला है, हम मरीज को शिकंजा लगाएंगे, अभी मरीज को बेहोशी लगने वाली है, 8:30 हो गए हैं, बेहोशी के नई टीम आ चुकी है, वो बेहोशी वाला टीका लगा रही है मरीज को, मैं चने खा रहा हूँ, आप भी खाया करें। देखिए आधा शिकंजा लगा दी है, मसला ये हुआ कि मरीज को आप बताया था किसने टांगे लगा दिए थे जख्मों के ऊपर ही, तो मरीज को रेशा पड़ चुका था, और मरीज की टांग ना 50-50 है, बचती या नहीं बचती, अगर इन्फेक्शन ना हुआ तो अल्लाह बेहतरीन काम कर देगा, यहाँ पर लगाया ध्यान से कंट्रोल रखना है, बस भाई आराम से ला दीजिए, ओके सर, नहीं आने जाने दो, ये इधर जहाँ से आना मरीज को हमने जंगला शिकंजा लगा दिया है, इसको जंगला भी कहते हैं शिकंजा भी कहते हैं, इसमें मरीज के जख्म की हमने अच्छी तरह सफाई की थी, रेशा पड़ चुका हुआ था, जिसने भी मरीज को पहली दफ़ा अटेंड किया आज से हफ्ता पहले, उसको टांके नीचे लगाने चाहिए, खैर ये उसका अल्लाह का मामला, हमने मरीज की तरह सफाई कर दी है, शिकंजा लग गया, अब मरीज की हमने अच्छी दवाइयाँ दिलाएंगे, इन शाला मरीज का खून ठीक होने के बाद इसका दोबारा ऑपरेशन होगा, लाएंगे मेरे सामान देख पाते हैं, तो फुल टाइट टांके नहीं लगाते, थोड़े थोड़े ढीले ढीले फालतू फालतू के टांके लगाएंगे, मुकम्मल इसको बांधनी करेंगे, उसके बाद मरीज को पट्टी कर देंगे।